हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ, टिफिन बॉक्स। आप देख सकते हो मैंने आज उनके लिए पराठे बनाए हुए हैं, और आध्या का भी लंच बॉक्स पैक करना है। इससे मैं तीन पराठे रख रही हूँ, तो कभी भी तीन पराठे रखे नहीं जाते हैं, तो मैंने इनको तोड़ के रखा हुआ है। और एक में मैं भिंडी की सब्जी रखूंगी, क्योंकि आज मैंने भिंडी बनाई हुई है, और आद्या को भी भिंडी और पराठा देने वाली हूँ, तो आद्या के लिए भी एक पराठा बना हुआ रखा है। अच्छा, मैं चाहती तो आद्या के लिए दो बना सकती थी, मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना देती हूँ। हर बार मैं आपको बताती हूँ, ताकि वो एक कहती ना, मैं एक ही खाऊंगी, तो वो एक दो के बराबर ही रहेगा। और यहाँ पे मैं एक आम का अचार भी रख दे रही हूँ अपने हस्बैंड के टिफिन में, जो कि मम्मी लाई हुई थी। और ये पेठा है, और ये पेठा बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो ये मैं पैक करके रख दे रही हूँ, बट फिर ये बोले कि नहीं, ये नहीं ले जा रहा हूँ मैं, एक दिन ले गया था, तो अभी आप इसको निकाल दो, कुछ और रख दो। सो भी मैंने इसमें दूसरी चीज रख दी थी, ये निकाल दिया था। तो बस इनका टिफिन पैक हो गया है, अब आद्या के टिफिन की बारी है। तो बस ये स्टील का टिफिन है आद्या का, इसको मैं पैक कर दूंगी। बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं टिफिन कहाँ से लिया, ये लोकल जो बर्तन की शॉप होती है वहां से मैंने लिया हुआ है, और बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल गया था। मुझे स्टील का ही चाहिए था, और कुछ ऐसा जो कि सच में अच्छा ही लगे, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो बस अभी मैं आद्या की कॉपीज वगैरह है वो चेक कर रही हूँ। आज आद्या के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, जिसके लिए दो प्लेन पेपर हैं, जो कि पंच लगा के देने थे, सो मैं उसके ड्राइंग की कॉपी में रख दी हूँ। तो बस अब आद्या स्कूल के लिए निकल जाएगी, और हम मेरा हुलिया देख सकते हो, ऐसे ही रहता सुबह की ऐसी भाग दौड़ में, न कंघी हो पाती है, न क्रीम पाउडर, न बिंदी, न लिपस्टिक। तो बस आद्या जा चुकी है, और मैं आद्या को छोड़कर आ गई हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, ये काफी देर की बात की क्लिप है। और मम्मी ना बैग लगा रही हुई है, मम्मी को मैंने एक झूला दिया था काफी टाइम पहले से, कि किसी को भी जरूरत हो तो आप दे देना जालौन में। तो मम्मी वो मम्मी के पास वो पहुंच गया था, लेकिन उसका कवर है ना वो यही रह गया था, तो उसका कवर ना मैंने मम्मी को दे दिया है, कि इसी में पैक करके किसी को देना, तो अच्छे से पैक करके दे देना। आदर्श ने मुश्किल में मतलब एक हफ्ता वो झूला इस्तेमाल किया होगा बस। तो बस मम्मी बैग लगा रही है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, मम्मी कल जाने वाली हैं, एक हफ्ते के लिए आई थी, मंगलवार को आई थी मम्मी, और मंगलवार को ही मम्मी जा रही है। तो मम्मी का तत्काल में ही रिजर्वेशन हुआ था आने का, और तत्काल में ही रिजर्वेशन हुआ है जाने का। तो मम्मी ना अचानक आई, और अचानक से ही जल्दी एक हफ्ते के लिए आई, लेकिन पहली बार वो हमारे साथ इतने दिन तक रही, उनका मन नहीं लगा। सच बात यही है, उनका मन यहाँ नहीं लगता है, और ऐसा होता ही है, हर एक पेरेंट्स का मन ऐसे नहीं लगता, चाहे मेरी मायके की मम्मी हो, चाहे मेरी ससुराल की मम्मी हो, मतलब सासू माँ हो या मेरी माँ हो, मन नहीं लगता रहने को। दो दिन रह ले, कोई तीन दिन रह ले, हफ्ते भर मम्मी रह ली है, लेकिन नहीं मन लगता है। तो उनको वही मन लगता है जहाँ वो रहते हुए हैं। तो बस यहाँ पे देख अपना खेल रहा है, और मम्मी अपना बाहर बाहर के कपड़े वपड़े उठा उठा सब रख रही हैं अच्छे से। और अभी ये सीधे मिल रही हूँ मैं रात के डिनर के लिए, सुबह से सब कुछ खाया पिया, और उसके बाद शाम को ना ऐसा हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ये तहरी बना ली थी। तो आज ना मटर भी नहीं थी, और फ्रोजन मटर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती डालना, तो वो नहीं डाली। मम्मी के लिए मूंगफली दाने मैंने भुने थे, मम्मी कह रही थी मैं मूंगफली दाने के बिना मैं नहीं खाती हूँ, चाहे राइस हो, चाहे वो फ्राइड राइस हो, तहरी हो, या कुछ भी हो, सोया पोहा हो गया, सिवैया हो गया, सब में। तो मैंने उनके लिए दाने भून लिए थे, और उनको ये डाल दिया, दही दे दिया है, और बस ये मम्मी की प्लेट लग गई। और ये यहाँ पे मैं आद्या की प्लेट लगा रही हूँ। आद्या को मैं पहले थोड़ा दही दूंगी, उसके बाद थोड़ा और दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। तो बस डिनर हमारा यही सिंपल सा रहा था, हस्बैंड नहीं खाए थे, हस्बैंड का मन नहीं था खाना खाने का। और अभी आपको मैं मिलूंगी सीधे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मम्मी का जाने का टाइम, मतलब सुबह सुबह मम्मी यहाँ से करीबन यहाँ से 7 बजे निकल ही गई थी मम्मी। तो ये रहा मम्मी का बैग वैग रखा, मेरे हस्बैंड का ये बैग रखा, मेरे हस्बैंड भी जाएंगे लखनऊ तक, मम्मी को छोड़ ले स्टेशन तक, और अपने आप को कुकर में सीटी आ रही है, अपने आप को डॉक्टर को दिखाना भी है, तो इसलिए मम्मी के छोड़ भी आएंगे, डॉक्टर को दिखा कर भी आएंगे। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, मंदिर वगैरह हो आई है, मैं मम्मी के लिए रास्ते के लिए खाना बना दी हूँ। और ये मेरे पास जो दो बॉक्सेस आए हुए थे पीनट बटर के, एक चॉकलेट पीनट बटर, एक सिंपल पीनट बटर, तो हम लोग इतना सारा क्या करेंगे, मुझे मतलब मैं कितना खाऊंगी, कितना बच्चे खाएंगे। तो मैंने मम्मी बोला मैं दो बॉक्सेस में आधा आधा कर दे रही हूँ, तो दो बॉक्स मेरे पास खाली पड़े हुए थे, तो मैंने आधा आधा भर दिया, तो वो फिल कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, तो आधा आधा है, वो मम्मी ले जाएंगी, पापा को खिलाएंगी, खुद खाएंगी। तो
उनके लिए हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये बटर वगैरह पैक हो गया है, पीनट बटर वगैरह, और यहाँ पे पूरियां सेक ली सारी की सारी, हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि वो आने में, वापस आने में थोड़ा सा लेट होगा, तो वो भी वहाँ पे खा लेंगे। और ये देखिए, ये वाला जो है ये पीनट बटर है, ये प्योर पीनट बटर है, वो चॉकलेट वाला था, तो इसको भी भर दे रहे हैं मेरे हस्बैंड, दो बॉक्सेस हो गए। और मम्मी ना घर जाके, मैंने बोला था नॉर्मली ब्रेड पे लगा के खाना, पराठे पे लगा खाना, मम्मी पता नहीं क्या क्या आविष्कार करेंगी इसका, कह रही थी मैं इसका हलवा बना लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। अरे मम्मी आपको जो दिल करे वो करो, लेकिन आप खाना अच्छा लग रहा है आपको, मम्मी को खिला के दिखाया था, मम्मी ने कहा मुझे अच्छा लगा, सिल्वर फोल लगा दिए ताकि लीक ना करे, और अच्छे से पैक कर दिया है, ये मम्मी का लंच बॉक्स पैक हो गया है। तो बस यहाँ पे ये सारी चीजें रख दी मैंने, ये ब्लू वाला बैग है ना, ये वाला मैंने दिया है मम्मी को, अमेजोन से मैंने लिया था, मम्मी के लिए ही लिया था। और मम्मी ये रही बाहर, मम्मी अपना चाय नाश्ता करने के बाद बाहर बैठ गई थी, अपना मोबाइल चला रही थी, और हो सकता है पापा को मैसेज कर रही हूँ। उसके बाद आ गई मम्मी, मम्मी के दो बैग हो गए हैं, आप देख सकते हो, ट्रॉली बैग हो गया, एक नॉर्मली जो ये वाला बैग लेकर आई थी। तो मम्मी से मैंने बोला कि आप दोनों में हाफ हाफ का सामान कर लो, जिससे ये रहेगा कि आपका थोड़ा हल्का हो जाएगा। मम्मी को मैंने साड़ी दी है और भी बहुत सारी चीजें दी हैं, मैंने हर चीज दिखाई नहीं है, तो सारी चीजें उनको मैं दे दी हूँ, सब पैक वैक कर ली है। नए वाला जो बैग में है ना, उसमें सब देने वेने वाला सामान पैक हो गया है। तो बस अब वो जाने वाली है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मम्मी रेडी है एकदम बढ़िया सी, और आध्या ना सो के उठ चुकी है, उसको बस तैयार करके स्कूल भेजना है। तो अध्यक्ष अभी सो रहा था, उसको नहीं जगाया था, मैं सोचा शायद वो रोएगा, लेकिन वो अध्यक्ष इतना नहीं जानता है जितना आध्या जानती है दादी को। अध्यक्ष बहुत ही कम रहा है दादी के पास, तो इतना ज्यादा अटैच नहीं है। लेकिन मम्मी ना छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा भागी चली आई थी, ये है वो है, लेकिन मम्मी पूछ रही थी बाद में कि अध्यक्ष रो तो नहीं रहा था, मैंने बिल्कुल नहीं रो रहा था, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कौन आया कौन चला गया, थोड़ा रहता साथ में तो होता है बच्चों के साथ में, और दादी के साथ में तो बच्चों का तो बहुत ज्यादा लगाव रहता है, लेकिन अगर अध्यक्ष के साथ में नहीं रहा है तो वो इसी कारण कि वो कम रुका है दादी के पास, कम रहा है। हम लोग यही ले आए थे उसको 3 महीने के बाद, हालांकि आधा को भी 6 महीने के बाद ले आए थे हम लोग यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा आना जाना हो रखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत कम आना जाना हो रखा वहाँ पे, क्योंकि अब आधा स्कूल भी जाने लगी है और छुट्टी भी नहीं मिलती है। गाइस आप देख सकते हो मम्मी गई है आध्या से मिलने, आध्या को पैसे दे रही थी और मम्मी ना कुछ ज्यादा ही रुपए दे रही थी उसको, मैंने मना किया कि बस कुछ ही रुपए दे दो ताकि वो चॉकलेट वगैरह ले ले, ज्यादा उसको दो, बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं देना चाहिए। हाँ अगर आप उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो या कुछ भी है तो वो चल जाता है, चलो बच्चे उसे खेल लेगा ये वो, लेकिन पैसों की लत ऐसी नहीं डालनी चाहिए बच्चों को बड़े बड़े नोट देके। तो फिर मना किया, अभी मम्मी ने छोटा सा दिया कि चॉकलेट वगैरह ले लेना। तो बस मम्मी निकल गई है, मम्मी बाय बाय बोला मुझसे, बोली बेटा मैं जा रही हूँ, हमने कहा ठीक है जाओ, अब देखना है कि कब आना है उनका, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, फिलहाल तो मम्मी अभी जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा बोर भी हुई थी वो, उनका मन नहीं लगा था, थोड़ा सा मन उनका पापा के पास भी था। तो बस खैर अब काफी देर हो गई मम्मी जाने के बाद, आध्या को भी मैंने तैयार कर दिया, नहा तो पहले ही चुकी थी, और बस उसको मैं फटाफट से कॉम करके ड्रेस वगैरह पहना कर उसको स्कूल भेज रही हूँ। आध्या का स्कूल का टाइम हो चुका है, अभी थोड़ी देर में रिक्शा वाले भैया आने वाले हैं। सो मम्मी चली गई हैं, थोड़ा सा घर सूना हो गया है, इमोशनल रहा थोड़ा ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और आध्या का लंच बॉक्स तो पैक कर ही दिया था, सॉक्स पहनाने हैं एंड बस आध्या कॉम वॉक करे, और बहुत सारी बातें बस आध्या की, दादी चली गई, दादी कब आएगी, अब ठीक है कोई बात नहीं, दादी तो कुछ ही दिन के लिए आई थी, बच्चों में इतना वो नहीं है सच बताती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है वो दादी के पास बहुत कम रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं अगर कोई आता है, दादी आती है या कोई चाचा आता है, कोई भी आता है, बुआ या फिर मामा मामी या फिर मौसी कोई भी आते हैं, उनसे उतने दिन तक ही लगाव रखते हैं, फिर उनके लिए दिन भर रोते नहीं है या हफ्तों भर रोते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा है मेरे बच्चों में। और जैसे मैं मायके गई तो
जब मायके जाती हूँ तो मायके के मतलब मामा मामी नाना नानी और मौसी के ही हो जाते हैं मेरे बच्चे। जब दादी के यहाँ जाते हैं तो दादी चाचा चाची और चाचा मतलब चाची तो है ही नहीं अभी उसकी, और चाचा और छोटी दादी बड़ी दादी सबकी हो जाती है। चले चाचू अभी आ रहे होंगे। क्या है मक्खी? पुटू 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 मेरा बाबू है तू तो मेरा बाबू स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चे स्कूल जा रहा है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? काफ़ी देर बाद में बात कर रही हूँ। कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था, कल बिल्कुल भी मन नहीं किया था। कल पूरा टाइम स्पेंड किया मम्मी के साथ में और अभी मम्मी आज चली गई हैं और आज ही के दिन मम्मी आई हुई थी। मम्मी का मन था सिर्फ 3 से 4 दिन रहने का क्योंकि मम्मी का यहाँ मन नहीं लगता है और मम्मी पहली बार ही मतलब रुकने आई थी यहाँ पर। तो फिर भी मम्मी 1 हफ्ते रुक गई। हम लोगों ने बोला था, बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया था कि कम से कम 1 हफ्ते तो रहें कम से कम, तो फिर वो रह के गई। लेकिन हाँ, उनको पापा की वजह से और पापा की चिंता रहती थी, फ़ोन वोन करती रहती थी। लेकिन पापा का तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा क्योंकि पापा तो घर पे भी वहाँ कम ही रुकते हैं और बाहर ही मतलब ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं। और घर में वैसे भी जेंट्स लोग घर में कितना रुकते हैं टिकते हैं, वो तो काम आप में अपने निकलते रहते हैं। लेकिन मम्मी थोड़ी देर रुक गई तो अच्छा लगा और अभी वो गई हैं और अच्छे से गई हैं और सही है, सब बढ़िया है। अब आदिया जा रही है स्कूल। और क्या मैं शेयर करूँ? हाँ, आज तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी वैसे पहले ही निकल जाती, रिजर्वेशन नहीं मिला था। रिजर्वेशन आज का मिला हुआ है, वो भी हम लोगों ने तत्काल में कराया है। दोनों रिजर्वेशन में आने में भी तत्काल भी कराया, जो कि अर्जेंट में कराया जाता है एक्स्ट्रा पे करके, और इसमें भी एक्स्ट्रा पे करके कराया जाता है। तो तत्काल में ही कराना पड़ा क्योंकि ऐसे रिजर्वेशन जो है ये जाने वाले दूर वाले वो 1-1.5 महीने पहले से कराओ तो ही मिलते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था मम्मी का, ना आने का ना जाने का, तो कुछ हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम बता दिया करेंगी तो सही रहा करेगा। और ठीक है, तो चलो आधा को स्कूल भेजते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से थोड़ी बहुत। आज नाग पंचमी है तो आप लोग यहाँ पर नाग बनते हैं तो बताना मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ तो द्वार पे नाग बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो मम्मी पहले निकलना चाहती थी ताकि नांग जल्दी पूजा कर सके, लेकिन अब नहीं गई तो पापा से कह दिया है, पापा कर देंगे। और तो घर में मौसी वगैरह है वो तो करेंगी ही, तो पापा भी कर देंगे, चाची हैं वो कर देंगी। लेकिन पता नहीं, मम्मी को चिंता रहती है, सारे लोग हैं ही भी घर में, तब भी अब पापा करेंगे, खैर जो भी है। तो और फिर हमारे यहाँ राखी की भुजरियाँ बोई जाती हैं, वो करेंगी, इसलिए मम्मी चली गई, त्यौहार आ गए इसलिए। तो चलिए, मैं भी अपनी इस वीडियो में यही एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तकलीफा भाई, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।